मलेशिया में फिर खड़ा हुआ राजनीतिक संकट, चुनाव में नहीं मिला किसी भी पार्टी को बहुमत, पूर्व पीएम मोहिद्दीन यासिन ने किया दावा। हिजाब मामले को लेकर ईरान में प्रदर्शन, ईरानी एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर हिजाब उतारा, पुलिस ने दो मशहूर एक्ट्रेस को किया गिरफ्तार। अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह, हनुमानगढ़ी में पूजा और अर्चना की, श्री राम मंदिर के निर्माण का काम भी देखा। भोपाल में चार दिवसीय आलमी तबलीग जमात का समापन, दुआए खास के साथ हुआ समापन, चार दिनों तक इज्तिमा में 10 लाख लोगों ने की शिरकत। ग्रीस में 5.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट, लोगों को समुद्री इलाकों में न जाने की दी चेतावनी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आया भूकंप, भूकंप का केंद्र पश्चिम रहा जावा का सियानजूर, भूभौतिक एजेंसी द्वारा 5.6 मापी गई क्षमता। पाकिस्तान सेना में भारी भ्रष्टाचार के आरोप, जनरल बाजवा के दामन पर लगे दाग, बाजवा का परिवार 6 साल में बना अरबपति। मैक्सिको में ट्रैन बैग में इंसानों के टुकड़े मिले, 1 महीने पहले मुंह में इंसान खोपड़ी ले जाता दिखा था कुत्ता, कुत्ते वाला वीडियो वायरल। पीएम मोदी की गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां, नवसारी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी से प्यार करती है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 19 से 23 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र, विधानसभा के सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक, आरक्षण को लेकर भूपेश बघेल ने चला बड़ा दाव, छत्तीसगढ़ में आबादी के हिसाब में आरक्षण की तैयारी। बीजेपी विधायक अमनगिरी को दिलाई गई विधायक की सदस्यता, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ, गोला गोंडकन्ना सीट में दर्ज की थी। रामपुर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, सपा विधायक आजम खान के करीब फसाहत शानू भाजपा में शामिल, आजम खान के करीबी है फसाहत शानू। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में प्रशासन नियुक्त करने को लेकर विरोध, गांधी और मेदिया अस्पताल के डॉक्टर्स और विद्यार्थियों ने पट्टी बांधकर शुरू किया काम, प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में भी दिखा विरोध। दिल्ली के रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल बने इलेक्शन कमिश्नर, आईएएस अफसर है अरुण गोयल, सेवानिवृत्त से 40 दिन पहले दिया था इस्तीफा। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 15 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने वैशाली सड़क हादसे पर जताया शोक, मृतक के परिजनों को पीएम फंड से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा और घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए। बेंगलुरु के कैंपगौड़ा में 13 करोड़ की हेरोइन जब्त, हेरोइन के साथ युगांडा की महिला गिरफ्तार, पुलिस जुटी मामले की जांच। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का बयान, मंदिर का निर्माण जरूरी नहीं, उन्होंने कहा कि मूर्तियों का निर्माण जरूरी नहीं बल्कि भगवान के संदेश का पालन करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ याचिका ली वापस, 80 में तत्कालीन एमबीए सरकार ने दायर की थी अर्जी।